जैसे जो भी हमारे टीम्स अभी फील्ड में जा रही है, तो ये सामने आ रहा है कि ऐसे बर्तनों में पानी, कूलर्स के जो पर्टिकुलरली पानी, या तो जो गाय मवेशी के लिए हम घर के बाहर ऐसे रख देते हैं, या अपने गमलों में पानी, ऐसे वाले में थोड़ा सा लार्वे पनपने की केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे आज भी काफ़ी सारे जगहों पे ऐसे केसेस आए, तो इसलिए हमने एक एडवाइजरी जारी किया है ताकि कि ऐसे कोई भी पानी स्टैगनेंट ना रहे। हमारे अपील है सभी जबलपुर वासियों से कि घरों में पानी एकत्रित ना होने दीजिएगा। छत पे भी अगर कहीं पत्तियाँ के होने से आपके पानी ब्लॉक हो गया तो उसको क्लियर कर ले। खाली गमले में, टायर्स और कूलर्स में पानी इकट्ठा ना हो दे होने दे, उसको पलटा दे, है ना। सर, एक ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो तैयारियां प्री प्लान होने थे डेंगू को लेकर, कहीं उसमें कसर रह गई थी जो अचानक इतने सडनली केस बढ़ गए। हर साल की तरह इस साल भी हमारे जो रूटीन मलेरिया और डेंगू के संबंध में टीम्स थे, वो अपने समय अनुसार उन लोगों के यहाँ पे जो कार्रवाई होता रहा है वो होता रहा है। इस बार कुछ एरियाज़ में थोड़े से इंक्रीज्ड केसेस आ रहे हैं, और एक और इशू भी है कि थोड़ा सा मन में भी लोगों के थोड़ा सा डर इस बार है, मे बी मल्टीपल रीजंस की वजह से। लेकिन उसकी किसी को ज़्यादा चिंता नहीं करना है, अपन को अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना है। फुल कपड़े पहने, मच्छर से ना काटने की वो थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशंस रख के, और पानी पनपने ना दे। हमारे जो हाका गैंग है वो नियमानुसार जो आवारा मवेशियों के ऊपर कार्रवाई समय समय पे कर रहे हैं, और डेरी संचालन के ऊपर भी जो समय समय पर नोटिस दिया जा रहा है और कार्रवाई जारी है।